Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. वाह री किस्मत, दूसरों की मदद करने वाला खंडेराव आज खुद ही मदद के लिए हाथ फैला रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। सबसे ज्यादा बदनसीब इंसान वो होता है दोस्तों जिसको अपने सामने अपने साथ चलते हुए दुश्मन की पहचान नहीं होती है, और गुनू जी उनमें से एक है जो खंडेराव को पूरी तरह से अपने घेरे में ले रहे हैं और उनका नुकसान कर रहे हैं, और खंडेराव को वही अपने सबसे अच्छे दोस्त लग रहे हैं। इसलिए पूरे साल का वेतन पूरी प्रजा में बांट के उनकी मदद करके आज खंडेराव के हाथ खाली हैं और वो खुद गुनू जी के जरिए किसी और से मदद ले रहे हैं। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं खंडेराव, देख के अफसोस होता है, क्योंकि जो गुनू जी कर रहे हैं उनके साथ उनसे साफ साफ पता चलता है कि ये साजिश है। जैसे हम कड़ी से कड़ी जोड़ते जाएं तो पता चलता है कि गुनू जी ने कैसे फ्रेम किया है खंडेराव को, कैसे उनका एक साल का वेतन जो है प्रजा में बंटवा दिया है, फिर एक इंसान को वहां पे लेके आते हैं जो उनका हेल्प करता है, खंडेराव की मदद करता है, और वो डायलॉग वही बोलता है जो गुनू जी ने उनको बताए हुए हैं, ताकि वो डायलॉग बोल के कंट्रास्ट एक इमेज बना पाए खंडेराव के सामने कि अहिल्या कितनी बुरी है और हम आपकी प्रजा कितनी अच्छी है जो आपसे ना तो हस्ताक्षर करवा रही है दस्तावेज पे, सिर्फ आपके ऊपर भरोसा कर रही है और आपको कर्जा भी नहीं देना चाहती है, आपको नजराना देना चाहते हैं क्योंकि आप इतने बड़े हैं, आपने इतना कुछ किया है प्रजा के लिए। तो ये सब चीजें जब सुनते हैं खंडेराव तो ये सुन के वो खुश होते हैं, क्योंकि ऐसा ही पता था गुनू जी को कि होगा, क्योंकि खंडेराव की तारीफ कोई आम पब्लिक करती तो दिखाई नहीं देती है। अब खंडेराव को जो भी तारीफों के पुल मिल रहे हैं वो गुनू जी से मिल रहे हैं। इसलिए जब अहिल्या से बात हुई उसने कहा आप गाँव में जाके देखिए तो सही छोटे सुबेदार जी, मगर खंडेराव जो तारीफ और इन सब पट्टियों के बंधे हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ गुनू जी की आवाज ही सुन रहे हैं। इसलिए गुनू जी के द्वारा चुने गए उन बंदों को जब सामने वो लेके आते हैं, वो उनकी भाषा बोलते हैं तो खंडेराव का मन खुश हो जाता है और वो तुरंत उनकी तुलना अपनी इतनी प्रिय, अपनी जान, अपनी जिंदगी, अपनी प्रेमिका अहिल्या से करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे तो मैं यही कहूंगी दोस्तों कि ये तो उनकी बुरी किस्मत का ही जो है झलक हम देख रहे हैं, ये नजारा हम देख रहे हैं जिसका नतीजा काफी बुरा होने वाला है। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.